मेष राशि वालों के लिए दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आज आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय और कामकाज का सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आज आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ में आपको विचारों और भावनाओं को संतुलित रखने की जरूरत होगी और प्रियजनों के साथ संवाद में रहने का प्रयास करना होगा। आज शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 84%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है। आपके मन में कुछ अनिश्चितता रह सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक मुद्दों को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, इसलिए दिमाग शांत रखने की जरूरत है। आपको अपनी चिंताओं के समाधान के लिए किसी से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने काम पर ध्यान देंगे और समय पर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें और मंदिर में त्रिशूल दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 88%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आइडल कामकाज में लगातार सफलता मिलेगी और अपनी कार्यशैली से वरिष्ठों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आज सामाजिक जीवन बहुत आनंददायक रहेगा और आपको दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आप अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग अपने काम में कर पाएंगे। व्यवसाय में नई योजनाएं अपनाकर अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। आज प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कारोबार में नए रास्ते खोजने का समय मिलेगा और जीवन के कुछ सबसे यादगार पल मिलेंगे। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जिससे आपका मन ढेर सारी खुशियों से भर जाएगा। सेहत पर काफी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। कामकाज में काफी व्यस्त रहेंगे और इससे आपको काफी सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अपने पसंदीदा विषयों में सफल होंगे और उनकी पढ़ाई में भी अच्छी प्रगति होगी। आपको लव लाइफ के राज उजागर करने का समय मिलेगा और रिश्तों में स्पष्टता आएगी। आज भगवान शिव की पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद को चावल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में कुछ नया शुरू करने से पहले आपको कुछ पुराने अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। बिजनेस या नौकरी में कुछ नया करने की जरूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने आहार में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन को शामिल करना चाहिए। आज सोमवार का व्रत रखें और शिव चालीसा का पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको काम में सफलता मिलेगी और मनोबल भी काफी अच्छा रहेगा। आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब आपका उनके साथ कोई व्यापारिक लेन देन हो। नौकरी पेशा जातकों के करियर में अच्छी उन्नति होगी और आमदनी में भी इजाफा होगा। परिवार में उत्पन्न विवादों को भी आप शांत रहकर सुलझा सकते हैं। आज भगवान शिव को आटे घी शक्कर से बनी चीज का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 78%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि वालों के लिए दिन शुभ रहने वाला। आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सभी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपको अपनी चिंताओं हल मिलेगा, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं आज उसमें अच्छी उन्नति होगी और मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। जमीन व संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं और परिवार में चल रही समस्याओं से निजात भी मिलेगी। आज सोमवार का व्रत रखें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 72%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है। आज आपको कार्य क्षेत्र में कई सफलताएं मिलेंगी और प्रयासों से बॉस को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आपको प्रभावशाली लोगों से बातचीत करने का सुनहरा मौका मिलेगा और भविष्य में उनसे फायदा भी मिलेगा। आज आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और काम पर ध्यान केंद्रित करके अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। आज शिवलिंग पर तिल व जौ अर्पित करें, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 68%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि वालों के लिए दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और तनाव महसूस हो सकता है। अपने काम पर ध्यान दें और विचारों को स्पष्ट करें। आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसमें सफल होंगे। आज सोमवार को प्रदोष काल में शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा केशरिया और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको जीवन में कुछ नए संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सोच और काम करने के तरीके पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखें और कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। बिजनेस को लेकर आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त रहेगा। आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं और भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा कत्थई और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 68%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको काम में बड़ी सफलता मिलेगी और आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही जीवन में नई परियोजनाएं शुरू करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स में आपको अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। आज सोमवार का व्रत करें और शिवलिंग की प्रदोष काल में पूजा करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 89%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको जीवन में कुछ नया व प्रगतिशील करने का मौका मिलेगा और मेहनत के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे। आप आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करेंगे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने का नया उत्साह मिलेगा। रिश्तों में खुशी का माहौल रहेगा और घर में सुख समृद्धि का अनुभव करेंगे। आज प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें और कच्चे चावल में तिल मिलाकर दान करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 93%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।